हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। चलिए, जो भी व्यक्ति जो है, जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। वो विशेष टॉपिक क्या है? तो वो है एक महत्वपूर्ण सेक्शन, जो पार्ट ए यानी CBT 2 का जो पार्ट ए है, उसमें 40 नंबर जो मेरिट बनाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है? तो वो हमारा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसका सिलेबस क्या है? तो इसके सिलेबस को चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इससे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इससे तकरीबन आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला करके इससे आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए, ये आपका मेरिट बनाने में बहुत ही कारगर होगा। मैं बता दूँ, CBT 1 जो होता है केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें केवल आपको पास करना होता है, ठीक है? CBT 2 जो होती है उसमें आपको मेरिट बनाना होता है, ठीक है? तो आप इसे इग्नोर ना करें। मात्र 6-7 टॉपिक है, मात्र 8 टॉपिक है। इस 8 टॉपिक को पढ़ करके आप मेरिट बना सकते हैं, क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग होता है तकरीबन 50 से 55 नंबर का होता है, ठीक है? मोटा मोटी आप मान लीजिए 50 नंबर का होता है, ठीक है? 40 नंबर का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा, यानी टोटल 90 नंबर का। और 10 नंबर में आती है आपका आ गया GK आ गया, और उसमें के बाद जो आ गया आपका करेंट अफेयर्स आ गया। ये 2 टॉपिक आ गया 10 नंबर में। तो आप GK को और करेंट अफेयर्स को अभी फिलहाल उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और उसके बाद मैथ रीजनिंग, ये 3 चीज़ पे आप ध्यान दे दीजिए, आपका मेरिट ईजिली बन जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैं आपको रूटीन दिखा दे रूटीन सॉरी आपको मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो चलिए देखिए, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। देखिए ऐसे नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइए, मैं बता देता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ना है ड्राइंग इक्विपमेंट पढ़ना है, जिसमें आपको उपकरण के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आपको दूसरा पढ़ना होगा ज्योमेट्रिक डायग्राम के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको ज्यामिति आरेख कैसा डायग्राम रहता है उसके बारे में पढ़ना होगा। तीसरा पढ़ना होगा रेखा के बारे में, नहीं लाइंस के बारे में। चौथा व्यू के बारे में पढ़ना होगा। पांचवा जो होगा उसमें सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है? सिंबॉलिक मशीन यानी चित्रीय जो होता है निरूपण के बारे में आपको पढ़ना होगा। यानी 5 टॉपिक इंजीनियरिंग ड्रॉइंग से ऐसे बोला जाता है कि 20 नंबर का रहता है, लेकिन कभी कभी 5 नंबर 10 नंबर किसी किसी शिफ्ट में अलग अलग पूछ सकता है, तो इस लोड नहीं लेना है, ठीक है? 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक से आपका 10 नंबर, कम से कम 10 नंबर आपका आएगा, ठीक है? उसके बाद पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा जो टॉपिक हो गया फिजिक्स का ये है। तीसरा हो गया हीट एंड टेम्परेचर, तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा हो गया वर्क पावर एंड एनर्जी। पांचवा हो गया आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। छठा हो गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, जिसमें आपको व्यावसायिक सुरक्षा के बारे में पढ़ना है, किसी को कुछ हो जाए तो क्या करना है। और लास्ट टॉपिक हो गया लीवर हो गया एंड सिंपल मशीन्स हो गया, यानी कि उत्तोलक एवं सरल मशीन से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है? जय हिंद।